विश्व दिव्यांग दिवस पर सुरेश कुलकर्णी ने बांटा उपकरण, अपंगों ने जताया शिवसेना नेता का आभार। विश्व दिव्यांग दिवस पर मुंबई के तुर्बे स्टोर में शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने सैकड़ों दिव्यांगों को ट्राई साइकिल जैसे उपकरण और खाद्य सामग्री वितरित की। इन उपकरणों को सांसद राजन विचारे और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए उपलब्ध कराया गया है। यहाँ जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, शिवसेना पदाधिकारी दिलीप जगताप, उप शहर प्रमुख अनिल पाटिल, युवा नेता महेश कुलकर्णी के हाथों दिव्यांगों को राशन और उपकरण तथा आईडी कार्ड बांटे गए। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे एवं दिलीप जगताप ने अपंगों और जरूरतमंदों की मदद में जुटे शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी की सराहना करते हुए दिव्यांग दिवस की भी शुभकामना दी। आज का दिव्यांग राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे सुरेश जी कुलकर्णी उनके तरफ से और हमारे खासदार थाने जिला के खासदार माननीय राजन जी विचारे इनकी तरफ से यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनको अनेक उपकरण बांटा गया जो उनको ज़रूरत है और वो खुद नहीं खरीद सकते। आज देखिए यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ये चेयर भी खरीदना उनको मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी व्यक्ति की तरफ से ये दिया जाता है तो बहुत ही मतलब कौतुकास्पद है। जो अपाइज है उनको मदद करने की भावना जैसे खासदार है जो सुरेश जी है और बाकी सभी अपने सहयोगी हैं उन्होंने रखकर ये मन में रखकर जो लोगों को मदद करने की भावना रखते हैं, मैं ये कार्यक्रम के लिए सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज जागतिक दिव्यांग दिन है और इस दिव्यांग दिन के शुभ अवसर पर आज तुर्बा स्टोर के जो नगर सेवक है यहाँ के सर्वेसर्वा है सुरेश जी कुलकर्णी, इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ जो भी चीज़ें बांटी जा रही है ये शिवसेना की तरफ से है, सुरेश जी कुलकर्णी की तरफ से है और वैसे ही यहाँ के जो खासदार है राजन जी विचारे साहब हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें बांटी जा रही, इनके आनंद में थोड़ा सा हमारी तरफ से आनंद देने की एक कोशिश है। मैंने यहाँ पुलिस अधिकारी करके बहुत दिन गुजारा है, यहाँ मैंने सुरेश जी को पहले से 2006 से मैं जानता हूँ और इनका कार्य का जो वर्णन करना है कोई अतुलनीय है कि हर घर में अपना एक छाप छोड़ी हुई है, हर घर का सुख दुख ये अपने घर में बांटते हैं और हर चीज़ कि जो भी सहूलत होगी मदद होगी जो भी होगा वो खुद करते हैं, मन से करते हैं और इसमें कोई जात पात धर्म और कोई पार्टी देखते नहीं है, हर आदमी को वो मदद करते रहे। इसी कारण मुझे जो बुलाव यहाँ पे बुलावा आया मैं इस कार्यक्रम में हाजिर रहा, मुझे खुशी है। बता दें कि दिव्यांग सामाजिक संस्था द्वारा आमंत्रित दिव्यांगों के इस कार्यक्रम में सैकड़ों अपंगों को मदद का हाथ बढ़ाने वाले शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिव्यांग भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, ऐसे में राशन और उपकरणों का वितरण दिव्यांगों के लिए राहत देने की एक छोटी सी कोशिश है। उन्होंने आने वाले दिनों में अपंगों के लिए मुंबई स्तर पर बड़ा उपक्रम चलाने का भरोसा भी दिलाया। हमारे खासदार साहब राजन जी विचारे साहब ने कुछ साहित्य दिए, जो साइकिल है, जो अपंग लोग को जो लकड़ी है, जो जो भी साहित्य लगने वाले वो भी उनका तरफ से आज मदद हो गए और आदरणीय पालक मंत्री के माध्यम से और राशन और ये साइकिल ये जो साहित्य ये गरीब लोग को अपंग दिवस के निमित्त से उनको हम लोग ये बांटने का कार्यक्रम लिए और ये कार्यक्रम होना चाहिए ऐसा कि आज उनकी परिस्थिति भी बहुत बिकट है, उनको आज राशन भरने के लिए आज परिस्थिति पैसा नहीं है उनके बारे में और उन्होंने मेरे को खुद आके बोला कि दादा हम लोग की ऐसी ऐसी परिस्थिति है उस जगह पे आपका तरफ से हम लोग को कुछ हेल्प चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग ने ये कार्यक्रम लगाया कि ये ही कार्यक्रम हम लोग अगले साल उस जगह पे हमने एक पहली बार भी एक कार्यक्रम लिए थे कि जितने भी न्यू मुंबई में अपंग जो व्यक्ति है उनके लिए अगले साल में हम लोग ये साइकिल का प्रयोग कर रहे और साइकिल बांटेंगे उस जगह पे, हो सके तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आएंगे या पालक मंत्री साहब को बुलाएंगे और उस जगह पे कार्यकर्ता का मेला भी रहेगा और इनके लिए कार्यक्रम के भी आयोजित करने का हम लोग को प्रेषित। इस दौरान मदद पाने वाले दिव्यांग सामाजिक संस्था के अध्यक्ष महादेव वाघमारे ने शिवसेना सांसद राजन विचारे और सुरेश कुलकर्णी के प्रति आभार जताया जिन्होंने दिव्यांगों को यह मदद मुहैया कराई। हमने माननीय राजन विचारे साहब के ऑफिस में हम लोग गए थे, हमारे जो
प्रतिनिधि, तो साहब को हम बोले कि ऐसे ऐसे दिव्यांग है, उनको चलने नहीं आता है या घूमने नहीं आता है, तो साहब ने तुरंत बोले क्या क्या मांगता है आप बिंदा जाए लेके जाओ। तो हमने कल पूरा सामान लेके आए और सुरेश शेठ के साथ हम लोग कल मीटिंग बिताया था, तो साहब ने बोला जितना अपने आदमी आएंगे सबको हम रेशन दे देंगे। तो मैं साहब का ही धन्यवाद कहता हूँ और अपने मोहरे साहब का भी सबका ही धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।